नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि मिट्टी की जांच कैसे की जाती है और मिट्टी की जांच करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की जांच क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे मिट्टी की जाँच इसलिए जरूरी है, जैसे हमारा शरीर है तो इसमें क्या चीज की कमी है, कौन से तत्व की कमी है, तो वो कैसे पता चल जाए। हमारी ये मिट्टी है उसकी जब जांच कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में क्या चीज का कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो वो चीज हम डाल करके उसकी पूर्ति कर देंगे। तो आज हम देखते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं एक नमूना कैसे लिया जाता है मिट्टी का। जब सैंपल भेजते हैं जांच के लिए, जो मिट्टी भेजते हैं ब्लॉक में, तो उसके लिए मिट्टी कैसे लेना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, नमूना लेना कैसे है वो आपको हम बताते हैं। खेत के सारे हिस्से से मिट्टी आना चाहिए, कोई ऐसा हिस्सा ना हो जहां से मिट्टी ना आए। मतलब कम से कम 4 से लेकर 5 जगह से खेत की जो है वो मिट्टी लेनी है। 4 से 5 जगह मिट्टी लेने से ये फायदा होता है, मान लीजिए कहीं की जमीन ज्यादा उपजाऊ है, कहीं की कम उपजाऊ है, तो अगर खेत के हर हिस्से से मिट्टी आ जाएगा तो वो आपस में जब मिला लेंगे तो जो मिट्टी का रिजल्ट आएगा, जब जांच करने के लिए देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो करना क्या है, खेत के चारों कोने से मिट्टी लेंगे और एक बार 20 से लेंगे, मतलब कम से कम 4 से लेकर 5 जगह से मिट्टी लेना है। और उसके बाद लेने के बाद जो है उसको आपस में मिक्स कर लेना है। मिट्टी कैसे मिलाना है वो आगे अभी हम वीडियो में बताएंगे। तो पहले मिट्टी लेने के लिए, जब किनारे से अगर मिट्टी ले रहे हैं तो कभी भी एकदम मेड़ के पास से मिट्टी नहीं लेना है। मेड़ से कम 1 हाथ या 2 हाथ छोड़ के ही मिट्टी लेना है, एकदम किनारे से मेड़ के मिट्टी नहीं लेना है। तो क्या करना है, खेत के सब हिस्सों से 4 से 5 जगह से मिट्टी लेना है। छायादार जगह जहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज्यादा छाया होती है, वहां से मिट्टी नहीं लेना है। अब मेड़ को छोड़ के मिट्टी लेना है और जैसी फसल है उसी हिसाब से मिट्टी लेना है। अगर आपको अगली फसल कम गहराई वाली, यानी जिसकी जड़ कम गहराई जाती है, उस तरह की फसल लगाना है तो 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक ही मिट्टी लेते हैं। किसान भाइयों, अगर आप कोई बागवानी वाली फसल ले रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी की जो गहराई है वह 30 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक रखते हैं। किसान भाइयों, चलिए मिट्टी का नमूना लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि छायादार स्थान है, तो यहाँ से छोड़ के हम दूसरे जगह से मिट्टी लेना शुरू कर रहे हैं और इसका भी ध्यान रख रहे हैं कि मेड़ से थोड़ी दूरी से मिट्टी लेना है, कम से कम 1 या 2 हाथ छोड़ करके नमूना लेना है। तो करना क्या है, सबसे पहले ऊपर की जो भी घास फूस है या खर पतवार है उसको हम साफ कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ऊपर के जो भी खरपतवार थे उसको हमने साफ कर लिया है, यानी ऊपर की जो भी सतह है उसको हमने अच्छे से पूरा साफ कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि गड्ढे की खुदाई कैसे करना है और मिट्टी का जो सैंपल है वो कैसे लेना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम गड्ढा खोद के तैयार कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं मिट्टी कैसे लेना है। सबसे पहले खुरपे को तिरछा ले जाते हैं जमीन में, यानी कभी भी खुरपे को सीधे जमीन में नहीं ले जाना है। जब भी मिट्टी का सैंपल लेना है तो अंग्रेजी के भी आकार में लेना है। और किसान भाइयों, खुरपे की सहायता से मिट्टी को पतली पतली परत के रूप में निकालना है, यानी खुरपे को जमीन में तिरछा ले जाना है, भी आकार से मिट्टी निकालना है और पतली पतली परत के रूप में मिट्टी को निकालना है। इससे क्या फायदा होता है किसान भाइयों, इससे ये फायदा होता है कि हमारे जमीन में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, ताकि हर परत से मिट्टी आ जाए। किसान भाइयों, जब हर परत से मिट्टी आ जाएगी तो जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो उसका परिणाम आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। खेत से हम लोग मिट्टी ला चुके हैं, अब उसके बाद क्या करना है आगे देखते हैं। तो करना क्या है, ये मिट्टी को जो है ऐसे कर लेना है,
अब उसके बाद इस मिट्टी को जो है जितना बारीक पीसेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आएगा जांच के बाद। तो करना क्या है, मिट्टी को बारीक जो है हम लोग पीस लेते हैं। देखिए उसके बाद करना क्या, मिट्टी को फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसमें प्लस का निशान लगाएंगे। अब कोई भी दो हिस्सा इसमें से, चाहे इसके ये सामने वाला मिट्टी ले ले या फिर ये सामने वाला, उसके बाद फिर यही प्लस वाला निशान लगाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास 500 ग्राम मिट्टी यानी आधा किलो तक मिट्टी जब बच जाए तो उसको क्या करेंगे। अब ये हमारे पास लगभग 500 ग्राम या आधा किलो तक मिट्टी बचा हुआ है। अब इसको पॉलीथीन में रख लेते हैं। तो किसान भाइयों तो ये मिट्टी जो है हमने पॉलीथीन में भर लिया है। अब इसमें करना क्या है, अब देखिए इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, यानी मिट्टी जिसमें पैक करने के बाद जो है इसमें ये सारी चीजें हैं, इसको भरना जरूरी है। पहला क्या है, किसान का नाम हो गया, दूसरा पिता का नाम हो गया, तीसरा ग्राम पंचायत हो गया, चौथा मजरा यानी कौन से गांव के रहने वाला है, और पता में ब्लॉक हो गया, जिला हो गया कौन से ब्लॉक के रहने वाला है, जिला कौन सा है, खेत की पहचान जैसे ऊसर वाला खेत है या कहीं कहीं तालाब वाला खेत बोलते हैं, या जो भी नाम हो खेत का उसको डाल देंगे, और पिछली फसल क्या थी यानी इससे पहले कौन सी फसल उसने उगाया था और अगली फसल कौन सी उगाएगा। उसके बाद किसान का मोबाइल नंबर हो गया, मिट्टी का नमूना संग्रह करने की दिनांक, जैसे मैंने आज ये मिट्टी इकट्ठा किया है तो आज का इस पे दिनांक पड़ जाएगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।